मौत के देवी हेला ने हमारी नंगी आंखों को ये दिखा दिया है कि हथौड़े को तोड़ते कैसे हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा कॉमिक्स के उन तीन कैरेक्टर्स की जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्योनियर के चीथड़े उड़ाए हैं। नंबर 3, डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर एक ऐसा पावरफुल आर्मर है जिसे वो बंदा कंट्रोल कर सकता है जिसने गंगनेर को अपने हाथों में होल्ड किया हो। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में एक बार लोकी डिस्ट्रॉयर आर्मर को करप्ट कर देता है, जिसके बाद डिस्ट्रॉयर थॉर से फाइट करने लगता है। और उस टाइम पे डिस्ट्रॉयर पे ओडिन फोर्स का एन्चेंटमेंट भी रखा होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉयर थॉर को ओवरपावर्ड कर म्योनियर के चीथड़े उड़ा देता है। नंबर 2, सिल्वर सर्फर। तो कॉमिक की ज़ॉम्बी स्टोरी लाइन में अर्थ पे सभी लोग एक वायरस के चलते ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, पर जब सिल्वर सर्फर अर्थ पे आता है तब उसका सामना ज़ॉम्बी हीरोज से होता है। और इसी बीच ज़ॉम्बी थॉर म्योनियर को सिल्वर सर्फर के सर पे दे मारता है। अब सिल्वर सर्फर की बॉडी इंडेस्ट्रक्टेबल है तो म्योनियर के चीथड़े उड़ जाते हैं। नंबर 1, मॉलिक्यूल मैन। कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है जो किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कॉमिक की एक स्टोरी लाइन के अंदर मॉलिक्यूल मैन का सामना एवेंजर्स के साथ होता है, तब मॉलिक्यूल मैन थॉर के हैमर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से म्योनियर के टुकड़े हो जाते हैं। यहां तक कि वो कैप्टन की शील्ड, आयरन मैन के आर्मर और सिल्वर सर्फर के सर्फबोर्ड के साथ भी ऐसा ही करता है।